दोस्तों आज का थंबनेल और टाइटल को देख के तो यार आप समझ चुके होंगे कि यार मैं आपसे किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ यार जीरो बैलेंस के अकाउंट पे आप अपने यूट्यूब पेमेंट को ले सकते हैं या नहीं। गाइस इसका लाइव प्रूफ मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर बीच में दिखाऊंगा, तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा आपको, तभी जो है यार आपको पता चल सकेगा कि यार YouTube पेमेंट आप जीरो बैलेंस के अकाउंट में यानी कि जो शाखा बैंक होती है उस अकाउंट में आप ले सकते हैं या नहीं। गाइस अगर आप एक गांव से हैं और आप एक यूट्यूबर हैं तो यार आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखना चाहिए, और गाइस अगर आप एक शहर से हैं तो भी यार आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लीजिए, क्योंकि गाइस इस वीडियो से यार आपको ढेर सारी नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो यार आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि गाइस YouTube पर आज तक किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, और गाइस सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं अपनी थर्ड पेमेंट आपको शो करने वाला हूँ, यानी कि गाइस आज मैं आपको अपने YouTube पेमेंट शो करवाने वाला हूँ, बैंक का मैसेज आपको दिखाने वाला हूँ, कितने चार्जेस कटे हैं मेरे, कितना चार्ज लगा है मुझे, तो ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो पहली पेमेंट मेरी आई थी, फर्स्ट पेमेंट, उसमें मेरे को क्या दिक्कतें आई थी। ये देखिए, ये अकाउंट है यूको बैंक का अकाउंट जो कि सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है। तो इस अकाउंट में मैंने अपनी फर्स्ट पेमेंट जो है रिसीव की थी। फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आई थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यार आई बटन पर मैंने लिंक दिया है, तो यार आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि यार फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने में यार मेरे को लगभग यार 18 दिन लग गए थे इस सेविंग्स अकाउंट में भी, ठीक है, यूको बैंक के सेविंग्स अकाउंट में भी 18 दिन लग गए थे। लेकिन सेकेंड टाइम जो पेमेंट आई थी इस पे, तो वो 21 को रिलीज़ हुई थी और 23 को ही मेरे अकाउंट में आ गई थी आसानी से। लेकिन गाइज इसमें गड़बड़ क्या थी, गाइज ये जो बैंक है यूको बैंक, ये बैंक अच्छा है, लेकिन गाइज यहाँ पर जो चार्जेस है काफ़ी ज़्यादा कट रहे थे। गाइज मैं तो यार छोटा यूट्यूबर हूँ, यार मेरी उतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं आती थी कि यार मैं ज़्यादा चार्जेस दे सकूँ। लेकिन गाइज ये जो यूको बैंक का अकाउंट है मेरा, सेविंग्स अकाउंट, इसमें यार काफ़ी ज़्यादा चार्जेस जो है कट रहे थे। यानी कि यार दो पेमेंट मेरी यहाँ से आई थी, मतलब इस बैंक से मैंने रिसीव की थी, तो गाइज यहाँ पर 700-800 रुपये जो है चार्जेस कट रहे थे इतने से पैसे में। 8 से 10 हज़ार मेरी पेमेंट आती थी, और 8 से 10 हज़ार पेमेंट में 700-800 रुपये अगर चार्ज कट जाता है तो यार कितना ज़्यादा बुरा लगेगा आपको, ठीक है। तो गाइज मैंने एक ट्रिक यूज़ की, ये देखिए, ये मेरा पहला अकाउंट है, ये है ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट, जिसे आप शाखा बैंक का अकाउंट भी कह सकते हैं, गांव वालों को पता होगा। तो गाइज ये जो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो ये शाखा बैंक का अकाउंट है, ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट। तो गाइज इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इस बैंक को अपने एडसेंस से अटैच कर दिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा चार्जेस कट रहे थे। तो गाइज ज़्यादा चार्जेस कट रहे थे यार, इतनी सी पेमेंट में अगर ज़्यादा चार्जेस मेरे लगते हैं तो यार मेरे को कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा यार, आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैंने अपने शाखा बैंक के अकाउंट में जो है अपना एडसेंस अटैच कर दिया। गाइज मैंने यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया कि ज़ीरो बैलेंस के अकाउंट में पेमेंट आ सकती है कि नहीं, लेकिन गाइज मेरे को कोई भी वीडियो नहीं मिली कि ज़ीरो बैलेंस के अकाउंट में आप पेमेंट ले सकते हैं, कोई भी वीडियो नहीं मिली। सब में कहा गया कि सेविंग्स अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट बैंक का अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्विकली सर्विस आपको देगा, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आप एक स्मॉल यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर हैं, तो यार आपकी 8 से 10 हज़ार पेमेंट आने वाली है, तो उसमें अगर 700-800 रुपये अगर आप चार्जेस दे देते हैं तो यार आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा बताइए। 700-800 रुपये यार बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, अगर आपके मतलब लाखों में अगर पेमेंट आए तो यार 700-800 कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज इसे जब मैंने अटैच किया तब अगले महीने की 21 तारीख को मेरी पेमेंट रिलीज हो गई, ठीक है। लेकिन पेमेंट आई है यार कल 6 अगस्त को, ठीक है। लगभग यार 15 दिन मेरे को टाइम लग गया, इन 15 दिनों में मैंने मतलब बैंक के 3-4 बार चक्कर भी काटे। शाखा बैंक में गया तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जब मैं मेन ब्रांच में गया यहाँ की, तो मेन ब्रांच में भी जाकर यार उनको भी कुछ नहीं पता, वो भी बोल रहे हैं यार हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तो फिर यार मैं घर आ गया, फिर घर आने के बाद गाइज मैंने जहाँ का शिफ्ट कोड यानी कि मैंने कोलकाता का शिफ्ट कोड यूज़ किया था मेन ब्रांच का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच का, तो मैंने उनका नंबर जो है ऑनलाइन देखा, उसके बाद मैंने उनको कॉल भी किया। कॉल करने के बाद गाइज वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाए, सिर्फ उन्होंने इतना कहा। मैंने उनसे पूछा कि यार ज़ीरो बैलेंस के अकाउंट में क्या यूट्यूब पेमेंट आ सकती है, तो गाइज
उन्होंने मेरे को एक जवाब दिया कि यार अगर आपके खाते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका अकाउंट एक्टिव है, तो आपका पैसा आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार कितना समय लगेगा, तो वो यार बता ही नहीं पाए कितना समय लगेगा। वो लोग यार मेरी कोई मदद नहीं कर पाए, सिर्फ उनसे मेरे को एक ही मदद मिली कि यार मेरा ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट है, उसमें पैसे आ जाएंगे अगर मेरे खाते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस फिर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला कि मेरे अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अकाउंट एक्टिव है। लेकिन गाइस जो 8 से 10 दिन थे यार, मेरे को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि गाइस मैंने वो काम कर दिया यार जो यार किसी ने भी नहीं किया है और किसी ने भी आपको नहीं बताया है, यानी कि ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट अपने YouTube पेमेंट रिसीव करने के लिए अटैच करना। तो यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा चिंता भी हो रही थी। लगभग यार कल तो यार लगभग 15 दिन का समय हो चुका था, लेकिन कल फाइनली यार मेरा YouTube पेमेंट आ गया है। ठीक है, YouTube पेमेंट कितना आया मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक स्क्रीन लगा दी है और यहाँ पर मैसेज में बैंक का मैसेज मैं आपको शो कर रहा हूँ और मेरी कितनी पेमेंट आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 9,765 रुपये मेरी पेमेंट आई है इस बार। ठीक है, जो कि यार मतलब पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा पेमेंट आई है। तो अब गाइस मैं आपको यहाँ पर चार्जेस भी दिखा देता हूँ, कितने चार्जेस मेरे कटे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपये चार्जेस कटे हैं इस बैंक में मेरे। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मेरे को मिल गया है यहाँ पर। जब मैंने यूको बैंक का अकाउंट यूज़ किया था, वहाँ पर मेरे को यार 700-800 रुपये चार्जेस देने पड़ रहे थे, इससे भी कम पेमेंट आई थी उसमें। तो गाइस ये मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो शाखा बैंक है, काम तो करता है यार, एकदम 100% काम तो करता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मेरे इसी अकाउंट में पेमेंट आई है, ये ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट है, एकदम क्लियर हो चुका है कि पेमेंट आपकी आ ही जाएगी अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। तो गाइस ये एकदम लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया अपना पेमेंट, कितना पेमेंट आया, कितने चार्जेस कटे, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। और गाइस ये जो कन्फ्यूज़न है कि आप ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट अपने YouTube पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो ये भी डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं गाइस, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपकी पेमेंट आनी ही है अगर आपका अकाउंट एक्टिव है। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। गाइस ये फर्स्ट पेमेंट थी इसलिए शायद थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन सेकंड पेमेंट में क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले आ तो जाए। ठीक है, और गाइस स्पेशली मैं अभी कुछ दिनों से YouTube चैनल के सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ाने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा वर्क भी कर रही है। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। तो गाइस अगर आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो यार आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलने वाली है, एकदम कमाल की वीडियो मिलेगी यार। और गाइस यहां पर पास में बकरी चिल्ला रही, तो यार आप इससे मतलब बोर मत होइए, क्योंकि गाइस यार गांव है, तो यार गांव में ऐसा होता रहता है। तो गाइस उम्मीद करता हूं यार वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और गाइस अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो यार आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और गाइस यहां पर आपको दो वीडियोज दिख रही होंगी, इन दोनों में से आप एक पर क्लिक करके आप इंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए।